टैग टीवी के इलेक्शन 2019 में स्पेशल प्रोग्राम के साथ आप सबको खुशामदीद। आज मेरे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शारदा साहब, उनके साथ ताहिर असलम गोरा और उनके साथ मौजूद हैं रिजवान साहब। हम आज बात करेंगे इलेक्शन कनाडा पे, जो कि 2019 में होने वाला है। अब 21 अक्टूबर इसकी डेट है। इसकी कैंपेन कैसी चल रही है, पार्टीज़ क्या कर रही हैं, क्या डिबेट्स चल रही हैं, और उन डिबेट्स के बारे में हमारे जो कैनेडियंस हैं उनके क्या कंसर्न्स हैं और उनका क्या फीडबैक है, और पार्टीज़ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेके आ रही हैं उनके साथ कितना इख्तलाफ है और उनके बारे में कितनी पॉजिटिव फीडबैक है। तो डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले शुरू करेंगे। थैंक यू। आप ये बताइए कि ये जितनी पार्टीज इस वक्त जो कुछ कर रही हैं इलेक्शंस में, जो कुछ हो रहा है 2019 में, ये किस हद तक पॉजिटिव है, किस हद तक नेगेटिव है और क्या मुख्तलिफ है? देखिए, सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं उनका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में, और आपका भी धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम को एंकर कर रही हैं। मैं 1968 से ना कैनेडा के इलेक्शंस वॉच करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये पहला मौका था जिस वक्त ये जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उसको हराना बहुत ही आसान था, अगर अपोजिशन का लीडर जो है वो ठीक होता। सम और दी अदर, जो एक ऐसी एंटी ट्रूडो वेव चली थी आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, वो कहीं ना कहीं जाके अपोजिशन वालों की गलती से जी उसका डिसएडवांटेज जो है लेकर और एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया ट्रूडो ने अपनी पार्टी के लिए, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ तक पॉलिसीज का ताल्लुक होता है वो तकरीबन एक जैसी होती हैं। अब एक जो फोर्थ जो पार्टी बनी है पीपीपी, जी पीपल्स पार्टी, उन वो एक डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आए हैं। वो आइडिया लोगों को कितनी देर में एक्सेप्ट होंगे, कैसे होंगे, बड़ी लंबी चौड़ी बात है। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ दो ही पार्टियों को सामने ले रहा हूँ, क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी जिसको लेटन ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया था, The only time I have seen over 100 votes and the seats taking by NDP. They never took more. हाँ जी, वो उसको ख़त्म करने में भी बहुत बड़ा हाथ है जगमीत सिंह का, क्योंकि जगमीत सिंह जब लीडर बने थे उस वक्त बड़ी इनसे एक्सपेक्टेशंस थी। जब आपके पास बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हों और आप उस पर काम ना कर सको और लोगों को अपने साथ जोड़ के ना लेके जा सको, तो आप फेलियर हैं। अच्छा, उसका एडवांटेज किसको हुआ? बहुत कम ग्रीन पार्टी को, ज़्यादा एडवांटेज हुआ ट्रूडो को, हाँ जी, लिबरल पार्टी को। अब देखिए, सूबे दो हैं जहाँ पर इलेक्शन जो है वो एक्चुअली जहाँ पर एक्शन फाइनलाइज किया जाता है इलेक्शन, एक है क्यूबेक और एक है ओंटेरियो। ओंटेरियो में एक टाइम था ऐसे 1 साल पहले, हाँ जी, जब डग फोर्ड अभी प्रीमियर बने थे, 128 में से 80 सीटें लेके जा रहे थे। आज वो 40 भी ले जाएं या 45 भी ले जाएं तो ये बहुत बड़ी गनीमत होगी कंजर्वेटिव पार्टी के लिए। वो किसने दी? अपोजिशन वालों ने ही उनकी झोली में डाली हैं। ट्रूडो का कोई करिश्मा नहीं है इस इलेक्शन में। ट्रूडो का करिश्मा जो था वो पिछले इलेक्शन में ज़रूर चला, लेकिन इस इलेक्शन में उसका करिश्मा नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जितने बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो और कोई प्रीमियर होता तो शायद रिज़ाइन भी कर देता, लेकिन क्योंकि ट्रूडो साहब जो हैं वो इनके फादर भी 22 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने भी इलेक्शन हारे फिर जीते, उन्होंने भी वो भी इस किस्म के थे कि लीडरशिप वो भी नहीं छोड़ते थे। जब वो इतने 22 साल निकल गए फिर उन्होंने अपनी लीडर को कहा कि अच्छा अब मैं लीडरशिप से जो है रिज़ाइन करता हूँ। ये एक सिलसिला है कैनेडियन पॉलिटिक्स का जिसमें मुद्दों के ऊपर बहुत कम काम होता है। यहाँ पर एक लीडर की अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर वोटर जो है वो ज़्यादा चलते हैं। आप यकीन मानना, एजेंडे को कोई यहाँ नहीं देखता, यहाँ पर सिर्फ एक लीडर की जो पर्सनैलिटी है, जो लीडर खुद कम्युनिकेट लोग वोटर्स के साथ कर सकता है, सिर्फ उसी की वैल्यू है। ये मैंने 1968 से देखा है, बाकी आगे चल के और बातें करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि ट्रूडो को हराना बहुत ही आसान था। ताहिर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पॉलिटिक्स को इतनी बारीक बीनी से, इतने अरसे से, इतने करीब से देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि 2019 का ये जो इलेक्शन है ये कैसे मुख्तलिफ है या नहीं? देखिए, मेरे नुक्ता नज़र से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
एक तो मैं खुद कैंडिडेट हूँ पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा का मिसागा माल्टन से, और इस इलेक्शन में जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि एक नई पार्टी इमर्ज हुई है। अगर आप कनाडा के सियासी मंजरनामे को देखें तो बड़े सालों बाद एक नई पार्टी इमर्ज हुई है जिसका नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा। तो उसकी पार्टिसिपेशन इस इलेक्शन में इसको मुख्तलिफ ज़रूर बनाती है एक रंग में। मगर दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने की, बड़ी अहम बात है कि लोग पार्टी के एजेंडे को नहीं देखते, पर्सनैलिटीज़ को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ पर्सनैलिटी से भी ज़्यादा लोग जो कैनेडियन हैं, जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये जो पॉलिटिक्स का जो स्टेटस को है कंजर्वेटिव और लिबरल का बनाया हुआ, जिनको मैं ज़ाती तौर पर एलीट्स पार्टियाँ समझता हूँ, उस पर अपने आप को स्टिक कर रहे हैं। अगर एजेंडे को देखें तो हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा का एजेंडा सबसे बेहतर है, मगर हम इस बात को समझते हैं कि हम नई पार्टी हैं। हमारी ये कामयाबी ही काफ़ी है कि एक साल के अंदर अंदर हमने 300 से ज़ायद कैंडिडेट खड़े कर दिए अक्रॉस द कंट्री। हम इस बात को भी अपनी कामयाबी समझते हैं कि हम अपना नाम भी फेमिलियराइज कर रहे हैं। ना सिर्फ फेमिलियराइज कर रहे हैं, बल्कि मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर इस इलेक्शन में हमें तो पूरी उम्मीद है कि हम एक अच्छी स्कोरिंग करेंगे। अगर फ़र्ज़ कीजिए अभी आवाम ने इन्हीं दोनों पार्टियों में से किसी को मौका देना मुनासिब समझा, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा बहुत बढ़ चढ़ के कैनेडियंस के साथ आगे आएगी। लेकिन अब जो मैं कमेंटेटर की हैसियत से अगर देखूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है कनाडा के पॉलिटिकल सिनेरियो की, और जो इलेक्शन होने जा रहा है 21 अक्टूबर को, उसमें बज़ाहिर जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं जो वो ये कह रहे हैं कि नेक टू नेक हैं मिस्टर ट्रूडो और एंड्रयू शीर। आपने कल की डिबेट को देखा, उसमें भी ये दोनों ही आपस में जिस तरह हाई स्कूल के बच्चे होते हैं एक दूसरे से नोक झोंक कर रहे थे, कोई काम की बात नहीं आई। दूसरी पार्टियाँ को तो बाद में टच मैं सिर्फ इसमें ना एक दो चीज़ें ज़रूर कहना मुनासिब समझता हूँ। एक और जो इसमें अहम बात है वो दो जो दूसरी पार्टी हैं NDP और ग्रीन, वो लेफ्ट लीन की पार्टी हैं, और एक जो छठी पार्टी है जो सेपरेटिस्ट हैं वो पता नहीं क्यों उस डिबेट में शामिल होते हैं, मेरी समझ से बात बाहर है, मगर वो भी इस डिबेट का हिस्सा बनते हैं। हम इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। अभी हम इस सिनेरियो को लेके चलते हैं। रिजवान साहब आपकी तरफ आती हूँ कि 2019 के इलेक्शन जो हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सीन इस वक्त हर जगह पे बहुत बड़ी डिबेट है कि बहुत मुश्किल और बहुत मुख्तलिफ है, तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि ये मुख्तलिफ है और मुश्किल है, या आप समझते हैं कि कैनेडा की हिस्ट्री में ऐसा होता रहा है और ये एक और ढंग से वो ही हो रहा है, तो इस पे आप क्या बात करेंगे? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। मुझे एक बात जो बहुत स्ट्राइकिंग है इस पूरे इलेक्शन सिनेरियो में वो ये है कि एज ए वोटर देर इज़ वेरी लिटिल टू सेपरेट बिटवीन टू लीडिंग पार्टीज फॉर मी। दोनों का एजेंडा ओवरलैपिंग है, दोनों के जो इश्यूज़ हैं उन पे बहुत कम जो है वो डाइवर्जेंस है। मे बी टैक्स ब्रेक्स में है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, दूसरे एक दो इश्यूज़ पर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब इमिग्रेशन पे जो लीडिंग दो पार्टीज़ हैं उनको यू कैन हार्डली सेपरेट देम। टैक्स ब्रेक्स पे और फिस्कल पॉलिसीज़ पे यस, वो कंजर्वेटिव जो हैं वो कंजर्वेटिव फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं और लिबरल्स जो हैं वो इसी को कंटिन्यू करने की बात करते हैं। बहुत कम है जो दोनों चीज़ों में सेपरेट कर सके। तो इस सूरत हाल में एक आम वोटर जो है वो, जैसे डॉक्टर साहब ने राइटली सेड कि आप पर्सनैलिटी पे ही जाएंगे कि जी इनकम्बेंसी फैक्टर था इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का, तो इट वाज वेरी इजी फॉर हिम, ही वाज ऑन द लोएस्ट एब ऑफ हिज पॉपुलैरिटी दिस टाइम ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे वो, जिस करिश्मा से आए थे दैट वाज फेडेड लॉन्ग बैक। उनकी अपनी पार्टी लिबरल पार्टी इधर एंटेरियो में सबसे बड़ा जो प्रोविंस है उसमें राउट हो गई थी बिल्कुल, उनके पास अपोजिशन पार्टी का स्टेटस तक नहीं रहा था, तो इट वाज वेरी इजी टू गेट हिम ऑन। लेकिन उसकी रीज़न एक ये है, बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी अजीब सी रीज़न है कि देर वॉज नो बॉडी टू टेक हिम ऑन। कोई था ही नहीं अपोजिशन में। अपोजिशन ने जो कुछ प्रोड्यूस किया वो एंड्रयू शीर हैं जो कि नॉविस हैं नेशनल स्टेज पे। नेशनल स्टेज पे उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, अभी लोग उनको जानना चाह रहे हैं, अभी लोग उनकी बातें सुन रहे हैं।
अब बातें सुनने में भी जैसे लाइक आई सेड कि एक प्रॉब्लम ये है कि बातें दोनों सिमिलर कर रहे हैं, तो हाउ वुड कैनेडियन, दैट्स व्हाई प्रोबेबली इस वक्त ये जो इलेक्शन है इसमें अनडिसाइडेड वोटर आर द बिगेस्ट चंक, दैट्स व्हाई, क्योंकि देयर इज नथिंग टू सेपरेट बिटवीन द टू. उसकी उसको मैं प्रूव कर देता हूँ कि पिछले एक हफ्ते दस दिन पहले तक दोनों 34% के पर डेड हीट में थे. हालांकि ड्यू टू ऑल इज अनपॉपुलैरिटी, सारा कुछ इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद वो लोग कह रहे थे यार इसको तो वोट नहीं देना, आप दें किसको, तो वो शेयर की तरफ देखते हैं तो वो फिर चुप करके बैठ जाते हैं कि किसको दें वोट. तो ये एक ऐसी सूरत हाल बनी. इस वक्त भी दोनों डेड हीट में है, इस वक्त भी गो के लगता यूँ ही है कि लिबरल्स एक जो ओवरऑल एक सिनेरियो एक एनवायरनमेंट है, मे बी दे वुड बी एबल टू सेव देयर गवर्नमेंट, लेकिन इट्स टफ टाइम फॉर ए कैनेडियन वोटर के उसको कोई इश्यूज पे जो उससे कंसर्निंग इश्यूज हैं उस पर कोई पार्टी क्लियर स्टैंड नहीं है किसी पार्टी का. यस, ताहिर साहब ने कहा एक नई पार्टी आई थी ये पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा मैक्सिम बर्नियर की, ही सेइंग ऑल द राइट थिंग्स विच शुड अपील टू अनडिसाइडेड वोटर्स, लेकिन प्रॉब्लम उनमें ये है कि अभी वो नेशनल स्टेज पे इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है. अभी शायद थोड़ा सा उनको लीमा जी इसमें थोड़ा सा ताहिर साहब क्योंकि मेरे भाइयों की तरह इनके तो ये जो भी काम करें मैं वैसे ही मतलब उसमें मेरी हाँ है, लेकिन मैं जो कैनेडियन हिस्ट्री है उसके बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ. ताहिर साहब शायद जानते हुए भी कई बार आदमी इमोशनल सेंटीमेंट्स में ना उसको आंखें बंद कर लेता है. जो पॉलिसीज है ना जी पीपल्स पार्टी की दैट विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाई द कैनेडियंस. जहाँ पर आपने इमिग्रेशन की बात कर दी, जहाँ पर आपने कोटा लगा दिया, जहाँ पर आपने इकोनॉमी की बात कर दी, हाँ जी देखिए ट्रूडो का जीतना दुनिया आपने कहा कोई फ़र्क नहीं, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन शीयर एंड ट्रूडो. ट्रूडो ने पिछले साल भी कहा कि मैं हर साल $30 बिलियन उधार उठा के आप लोगों को दूंगा. ट्रूडो ने इस बार भी कहा कि मुझे उधार उठाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं देखना चाहता कि आप सफ़र करें. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. ट्रूडो ने $100 10 साल के कम के बच्चों का बढ़ा दिया, बुजुर्गों का बढ़ा दिया, हाँ जी वो ये जो डिफरेंस है कि मैं अगले 4 साल भी इसको मतलब घाटे में लेके जाऊंगा बजट को, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. मेरा अपना ये मानना है कि ट्रूडो की ये जो 2-3 चालें हैं, देखिए एसएनसी लावालिन के ऊपर उसको पकड़ा गया, हाँ जी फिर एथिक्स कमीशन की तरफ से पकड़ा गया, उसने उसको अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया. वो जब लोगों के जाके बीच में बैठता है वो कहता है मैंने देखिए हो सकता है यहाँ तक उसने वर्ड कहे मैंने सुने खुद कि हो सकता है मैंने इलीगल काम किया हो पर मैंने अपने लिए नहीं किया, आप लोगों की जॉब्स बचाने के लिए आप लोगों के लिए मैंने किया, इसलिए मैं आप लोगों का हूँ और आप लोगों के बीच में रहूँगा. एक बात मैं फिर कहूँगा कि शेयर नया आदमी नहीं है. शेयर 2015 तक 4 साल वहाँ पर स्पीकर रहा है. शेयर 25 साल की उम्र में 26 साल की उम्र में पहले MP बन गया था और आज तक MP है वो. सो वो नया आदमी नहीं है लेकिन वो वही है जैसे थॉमस मल्केयर 1867 से लेकर आज तक अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट को देख लें देयर वॉज नो बेटर देन थॉमस मल्केयर, लेकिन ही वॉज ए फेलियर एज ए लीडर टू गो एंड कन्विंस दी पीपल. तो मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रूडो में ये खासियत है अगले 15 दिन में, देखिए अब 10 दिन रहते हैं, आज 8 तो चली गई, 19 को इलेक्शन का वैसे रात को बंद हो जाना है, हाँ जी आप 20 को आप लोगों को वैसे मिल सकते हो, 21 को वोटें हैं, तो अब एडवांस वोटिंग शुरू हो गई है. एडवांस वोटिंग में भी ज़्यादा काम लोगों का उधर लग जाना है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले जो 10 दिन हैं उसमें एडवांटेज ट्रूडो है, एडवांटेज शेयर नहीं है, ना एडवांटेज और कोई पार्टी है. हाँ एक पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस इलेक्शन में, वो है पार्टी क्यूबेका. पार्टी क्यूबेका के 4 MPs थे. इस बार पार्टी क्यूबा का नया लीडर आया था. इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद वो थर्ड पार्टी बन जाए पार्लियामेंट में 22-25 सीट्स लेकर. अभी आपने डिबेट के हवाले से बात की, अब हम पहले डिबेट की तरफ आते हैं, वो इस सारे इसको शायद कवर कर ले.
डिबेट के बारे में बहुत सारे इश्यूज हैं इस वक्त जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि एक तो ये कि इसका एजेंडा ठीक यानी इसको सही तौर पे प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, वो बातें डिस्कस नहीं की गई जो कैनेडियंस के बेनिफिट में जाती हैं, एक बात तो ये है, और दूसरी ये कि ये पुअरली मॉडरेटेड था। तो डिबेट के अंदर तो पॉलिटिशन क्रक्स बात करता है, वो बातें लाई जाती हैं जो उस वक्त बहुत ज़्यादा टच करती हैं आम कैनेडियन को, लेकिन उनमें से कोई भी बात नहीं की गई। तो क्या ये सब इस सब का क्या इम्पैक्ट है? डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू करते हैं बात, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसकी क्या ज़रूरत है? जैसे कि थॉमस मिलकेयर का आप कह रहे हैं कि वो बहुत कामयाब बोले लेकिन वो लीडर अच्छे साबित नहीं हुए पार्लियामेंट में, ही वाज द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, लेकिन सम और द अदर ही कुड नॉट कनेक्ट विद द वोटर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो कल की डिबेट हुई है, मुझे बहुत अफसोस है और अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी भी 5 एंकर नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 2 एंकर होने चाहिए। हाँ जी, और जिस ढंग से 4 बड़े नेटवर्क्स को और प्लस हफिंगटन पोस्ट वालों को वहाँ ला के बिठाया गया और उनको 20-25 मिनट दिए गए, एक एक टॉपिक दिया गया, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर ट्रूडो को पकड़ा जा सकता था, हाँ जी, मुझे लगता है जैसे ट्रूडो ने इनको टॉपिक दियो हैं, वो टॉपिक था फॉरेन अफेयर्स का। वो किसी को भी 5 में से वो नहीं मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेल अगर वो पिछले 4 साल में हुआ है तो वो फॉरेन पॉलिसी पर हुआ है, वो टॉपिक ही नहीं वहाँ पर था। तो मेरा अपना ये मानना है कि लीडर्स को 1 मिनट में 3-3 लीडर्स को बोलने का टाइम, वो गलत था, 2 मिनट होने चाहिए और 1 मिनट रिबटल होना चाहिए, ये हमेशा तरीका रहा है। 2 मिनट में एक जो लीडर, नेशनल लीडर से आप बात कर रहे हो, उसने अपने अगर पॉइंट्स देने हैं तो वो आपको 10 सेकंड में 20 सेकंड में क्या देगा, उसको तो कम से कम 2 मिनट चाहिए, तो 2 मिनट नहीं दिए गए। मेरे अपने हिसाब से 68 से लेकर आज तक जितनी मैंने डिबेट्स देखी हैं, दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट, हाँ जी, पुअरली जहाँ मॉडरेटेड वहाँ पर पुअरली हैंडल्ड बाई द एंकर्स, हाँ जी, आस्किंग क्वेश्चन एंड द फॉर्मेट वॉज एक्सट्रीमली बैड। हम इसको कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होती है और उसके अंदर इफ़ यू कैन नॉट मैनेज द टाइम हाउ कैन यू कैन लीड। ताहिर इस पर आप अपनी राय दीजिए, आप क्या महसूस करते हैं, आपके क्या इस सिलसिले में, वॉट इज़ योर टेक? मैं डॉक्टर साहब से इस बात पर तो इतने एग्री करता हूँ कि ये जो डिबेट में मॉडरेशन का मामला था ये काफ़ी पुअरली मॉडरेटेड थी। सिर्फ हम ही नहीं कह रहे बल्कि कैनेडियन मीडिया भी आज सुबह से कह रहा है, बल्कि कल रात डिबेट ख़त्म हो जाने के बाद कहना शुरू हो गया कि ये फॉर्मेट भी कोई इतना अच्छा नहीं था और इसमें मॉडरेशन भी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने जो बात की फॉरेन अफेयर्स के ना एजेंडे पर आने की डिबेट पे, ये भी एक बड़ी अफसोसनाक बात है। वाकई ट्रूडो का बहुत बड़ा फेलियर रहा जो रिलेशनशिप के हवाले से। एक और अहम बात जो डिबेट में थी वो इमिग्रेशन पर थी। इमिग्रेशन के हवाले से डॉक्टर साहब ने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात भी की, तो मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसी, हम इमिग्रेशन ख़त्म नहीं करने की बात करते, हम कम करने की बात करते हैं, ऐसे इमिग्रेंट्स बुलाने की बात करते हैं जो सोसाइटी के साथ इंटेग्रेट हों। हम अभी भी कहते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख इमिग्रेंट साल के आएँ, लेकिन ये जो एक डॉक्टर साहब का ख्याल है इससे मैं थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करता हूँ कि कैनेडियंस की अक्सरियत इससे एग्री नहीं करती। आप कोई भी स्टडी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, कैनेडियंस की अक्सरियत जो है वो इस बात से एग्री है कि अब हमें इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। मसला क्या है, फ़र्क ये है कि हमारे इस मुल्क में, कैनेडा में, डिबेट ओपन नहीं हो रही, पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत है, मीडिया जो है उसका होल्ड, जो स्ट्रांग होल्ड है वो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में एथनिक कम्युनिटीज रहती हैं। अच्छा, अब ये एक अवेयरनेस है जो हम पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा का, सिर्फ इस इलेक्शन के लिए मैं बात नहीं कर रहा, हम एक पार्टी हैं फॉर एवर इस मुल्क में, हम ये अवेयरनेस अब ये क्रिएट करना चाहते हैं और इमिग्रेंट्स को ये बताना चाहते हैं, और उनमें से बहुत सों को एहसास भी है, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इमिग्रेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम जो आए हैं हम एडजस्ट अभी इतने अच्छे तरीके से नहीं हुए, तो नए इमिग्रेंट्स को इतने ज़्यादा तादाद में बुलाने का फ़ायदा नहीं है अनलेस अनटिल यहाँ पर कोई प्रॉपर प्रोग्राम्स मौजूद ना हों, ताकि जो प्रोग्राम्स हों वो मदद करें उनकी इंटेग्रेट और एसिमिलेट करने के हवाले से। तो मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा के ये मैसेज भी इमिग्रेशन का भी और दूसरे मैसेजेस भी, अनफॉर्चुनेटली कल की डिबेट में भी जैसे जगमीत सिंह ने बहुत रूड हो के ऐसी बात की कि उन्होंने मैक्सिम बर्नियर को कहा कि मैं तो हक में नहीं था कि आप आएँ, तो मैक्सिम ने कहा कि तुम डाइवर्सिटी की बात करते हो मगर तुम डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ को कभी टॉलरेट नहीं करते।
तो ये एक इशू है कि ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस ट्रूडो से लेके अब एंड्रयू शीर तक भी आ गई है और ग्रीन और लेफ्ट में तो ऑलरेडी थी, जिसका हमने मुजाहरा कल की डिबेट में देखा, ये इस मुल्क को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है और हमारी पार्टी इस नुकसान के ख़िलाफ़ है और हम चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ आए। और हमारी पार्टी ने कल ये स्टैंड लिया, मैक्सिम बर्निया ने ये स्टैंड लिया कि पॉलिटिकल करेक्टनेस ख़त्म होनी चाहिए। मैं 30 सेकंड आपसे माफ़ी चाहता हूँ फिर रिजवान साहब, ठीक है मैं इज्जत करता हूँ इनके अपने विचार हैं, लेकिन मैंने 16 इलेक्शन देखे हैं कैनेडा में, जिस आदमी ने भी इमिग्रेशन के ऊपर ये कोशिश किया कि मैं इमिग्रेशन कम करूँगा, वो आदमी कभी नहीं जीता, क्योंकि यहाँ पर अब इमिग्रेंट्स का और दूसरे लोगों का इतना ज़्यादा मेल मिलाप बढ़ चुका हुआ है कि आप और लोग ये महसूस भी करते हैं अंदर अंदर से, पता नहीं इनकी कोई होंगी फिगर्स, लोग ये महसूस करते हैं कि कैनेडा बहुत खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग आ सकते हैं और एस्टेब्लिश हो सकते हैं। हम इसी चीज़ को लेके आगे चलते हैं। इमिग्रेशन के साथ इकॉनमी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इट्स अ डीप रूटेड कनेक्शन विद ईच अदर। और जैसे कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने एक बात की कि जो पार्टी ये बात करेगी इमिग्रेशन की वो और इकॉनमी की वो कामयाब नहीं हो सकती, तो क्या इससे ये ज्यूम करना चाहिए कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद करके, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को बंद करके सच बोलना बंद कर दें और अपने एनालिसिस ख़त्म कर दें अपनी इकॉनमी के बारे में और लोगों को सब्ज बाग दिखाएं कि इतनी ज़मीन है, आइए, सिर्फ ज़मीन से ही इकॉनमी चलती है, क्या कहेंगे आप? वेरी गुड टॉपिक यू टच्ड। देखिए, बिफोर आई गोइंग टू इमिग्रेशन, ऑन माय ओन पर्सनल ओपिनियन अबाउट इमिग्रेशन, ये एक इशू है, हर बंदे की इस पर राय है, ओपिनियन है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रात की डिबेट के बाद जो अनडिसाइडेड वोटर्स थे, एक बड़ा चंक वो अनडिसाइडेड ही रहे, उनमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली, मेरा नहीं ख्याल कोई स्विंग वोट्स हुए होंगे डिबेट के बाद, क्योंकि हर बंदे ने अपनी पार्टी पोजीशन बोली है और हर बंदे की पार्टी पोजीशन मोर और लेस लोगों को पता ही थी और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हुए। इकोनॉमी की आपने बात की, कनाडा अपनी हिस्ट्री की पहली दफ़ा इस वक्त डेफिसिट बजट में है, $60 बिलियन का डेफिसिट है इस वक्त। उस डेफिसिट्स बुरे नहीं होते, डेफिसिट समटाइम्स इकोनॉमी को प्रॉप भी करते हैं, लेकिन चूंकि कैनेडियन सिस्टम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, सोशल वेलफेयर के साथ इंटेग्रेटेड है, इसलिए ये डेफिसिट बेशक मिनिस्क्यूल है $60 बिलियन का, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करनी होती है सोशल वेलफेयर पर, स्पेशली कैनेडा में। तो ये एक कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है कि ट्रूडो अगर जाए और बजट स्टिल डेफिसिट में हो, बुक्स बैलेंस ना हो, तो दैट वुड बी बैड फॉर कैनेडा, दैट वुड बी बैड फॉर कैनेडियंस। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट के पास, हाँ यस, डेफिसिट उस सूरत में बुरे नहीं होते जब इकोनॉमी अदरवाइज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा हो, आपकी ट्रेड ग्रो कर रही हो, ये दोनों सेक्टर्स इस वक्त सप्रेस्ड हैं। इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव में है, बट दे आर नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ प्रोग्रेस। तो इस वक्त डेफिसिट होना इज़ ए बैड थिंग। वन, इमिग्रेशन की आपने बात की, इमिग्रेशन पे हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स इमिग्रेशन के हक में हैं, मोस्ट ऑफ मेरी ऑब्जर्वेशन है कैनेडियन सोसाइटी के बारे में, ज़्यादातर जो ओल्ड कैनेडियंस हैं वो कह रहे हैं कि इसको या कंट्रोल किया जाए या कैप किया जाए, दोनों सूरतों में से एक लिया जाए। अब ये एक टू साइड्स ऑफ द डिबेट हैं, अब इसमें कोई सही या गलत कुछ नहीं होता, इसमें जो भी सिचुएशन हो। पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि जो जॉब की कंडीशंस हैं कनाडा में और जो इकोनॉमी की कंडीशंस हैं, इस वक्त एक लिमिटेड कैप मस्ट है, होना चाहिए। जो अपेरेंटली हमारे पास डेटा और स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, उस हवाले से हम बात करें तो इस वक्त एक इधर लिमिटेड कैप और कंट्रोल इस वक्त इमिग्रेशन पे बहुत ज़रूरी है, अनलेस इकोनॉमी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सो वेल कि वो जॉब्स क्रिएट करना शुरू कर दे हर तरफ, तो फिर आप इमिग्रेंट्स के बारे में। और यस, जब भी आप खोलें, जो भी नंबर आप डिसाइड करें इमिग्रेशन का,
इट हैज़ टू बी ए क्वालिटी इमिग्रेशन, इट हैज़ टू कन्फॉर्म विद द कैनेडियन वैल्यूज. दैट्स मतलब इस बारे में मेरी ओपिनियन बहुत क्लियर है कि जो कैनेडियन वैल्यूज पे इंटेग्रेट हो सकता है वही बंदा, उनका कोई भी आप चेक सिस्टम बना लें. और दूसरी बात यह है कि अगर जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स उस बंदे की अपनी पर्टिकुलर फील्ड में हैं तो उस बंदे को अलाउ होना चाहिए. ये ब्लाइंड इमिग्रेशन और मोस्ट ऑफ देम लेबर इमिग्रेशन, इस चीज़ से कनाडा को फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है. लेबर चीप हो रही है. एक बंदा $10 पे भी काम करने को तैयार है, दूसरा 7 पे काम करने को तैयार हो जाता है, तो $14 का बैरियर भी ब्रेक हो जाता है. तो ये कहाँ से इकोनॉमी में अच्छी बात. और फिर ज़्यादातर फिर वो लोग जो आते हैं वो चूँकि कंपटीशन लेबर में कंपटीशन है, वो छोटे बिजनेसेस एक्सप्लॉयट करते हैं और एक्सप्लॉयटेशन में फिर कैनेडियन इकोनॉमी सफ़र करती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दैन डील विद कैश. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सीरियस रियल प्रॉब्लम्स हैं जिनको देखना. डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ. आप बताइए अगर इन सब बातों पे बात ना हो, जो सवाल मैंने रिजवान साहब से किया है वही आपसे है, तो फिर कौन इसका, पार्टीज का क्या मकसद? सिर्फ पर्सनालिटीज के ऊपर ही हमें जाना है? कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सोशल एवोल्यूशन की बात नहीं होनी चाहिए, हमें वो बात करनी चाहिए जो आवाम को पसंद है और वो बात नहीं करनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है, तो फिर पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे चलेगा? नहीं नहीं, आपकी बात सही है. जो कुछ हो रहा है ये मैं नहीं कह रहा ना हो. आप पीपल्स पार्टी ने अपने आइडियाज़ जो लेके आए हैं उनके आइडियाज़ हैं जी रहे, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. मैंने अपना व्यू तो अभी तक दिया ही नहीं. अब मेरे से व्यू पूछोगे मैं बताऊंगा आपको इमिग्रेशन के ऊपर. मैं सिर्फ आपको अपना एक 51 इयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कनाडा का. वो ये है कि इन्होंने कहा कि बजट जो है वो बैलेंस होना चाहिए. जब मलरूनी साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, सबसे बड़ा डेफिसिट वो छोड़ के गए. जब पॉल मार्टिन बना फाइनेंस मिनिस्टर क्रेचर के टाइम पर, जब उसने सख्तियाँ करनी शुरू की तो लोगों ने कहा ये तो कंजर्वेटिव है, ये तो लिबरल पार्टी का काम ही नहीं कर रहा, ये तो कंजर्वेटिव का कर रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर में उसने उसको बैलेंस कर दिया. फिर हार्पर साहब आए. अब हार्पर साहब के टाइम में भी जो है वो उसमें चला गया घाटे में. रीज़न कि 2008 का बहुत बड़ा रिसेशन आ गया था. अब अगर आप रिसेशन में भी बैलेंस रहा था, नहीं नहीं बैलेंस रिसेशन में बैलेंस रहा, उसमें इन्होंने इनको 60 to 80 billion dollars जो है वो लगाने पड़े मार्केट में इकॉनमी बचाने के लिए. वो तो लगाते हैं, फिर वो स्टिमुलस होता ना, नहीं वो देखिए वो लगाने पड़े ना, तो इसलिए. लेकिन मैं अब आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि ट्रूडो साहब आए, उन्होंने कहा मैं आपकी जेब में पैसे डाल रहा हूँ. कहाँ मिलता था $100 बच्चे के लिए, कहाँ मिलने शुरू हो गए 500. लोग ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों के बच्चे उन्होंने इनको उतारना उधार, उनको अब ये लगता है हमारे तो 600 आ जाएंगे अब 500 के बदले. उनको ये देखिए जो आदमी की नेचर है ना वो ये है कि अब मेरी जेब में क्या आ रहा है. अगर आज भी हम इकॉनमी देखें, कनाडा की इकॉनमी पिछले 4 साल में कोई सफर नहीं हुई. कनाडा की इकॉनमी ऊपर गई है सारी दुनिया की इकॉनमी से. हाँ जी, इसमें मतलब 7G में दैट दिस कंट्री प्रोड्यूस द बेस्ट आफ्टर USA, क्योंकि फॉर द लास्ट 2 years USA डिड वेल. जब वो वेल करता है कैनेडा अपने आप वेल करता है. तो अगर हम दुनिया की इकॉनमी को ही देखें तो दुनिया की इकॉनमी में G7 और G20 में तो ये number 1 or 2 है. तो फिर बाकी की इकॉनमी अगर इतनी ख़राब है तो इकॉनमी है तो फिर ऐसे ही ख़राब रहती हैं. फिर यहाँ पर आपको पता लेबर की कितनी शॉर्टेज होती है. लेबर 6-6 महीने के लिए हमें बुलानी पड़ती है. एग्रीकल्चर लेबर की, हाँ जी मैं अभी BC से आया हूँ, वहाँ पर 1 लाख से ऊपर एग्रीकल्चर हर साल उनको शॉर्टेज होती है. हाँ जी क्यूबक में शॉर्टेज होती है, यहाँ पर शॉर्टेज होती है 50-60 हज़ार की. ये बाहर से मंगाते हैं 5-5, 6-6 महीने के लिए. तो वो जो शॉर्टेज है, हाँ जी वो तो हमें नज़र आ रही है क्योंकि हमारे जो यहाँ पर लोग सेटल हो चुके हैं वो काम करने को तैयार नहीं है. अब हम आपकी तरफ आते हैं कि जब हम इमिग्रेशन की खास तौर पे बात करते हैं तो यही मतलब है क्वालिटी इमिग्रेशन से. मुराद ये है कि वहाँ पे इमिग्रेंट बुलाया जाए जहाँ जहाँ ज़रूरत है कनाडा को, बजाय इसके कि सोशल वेलफेयर का सिस्टम है तो उसके तहत बुलाया जाए, या बहुत हाईली स्किल्ड जो लोग हैं जो इंटीग्रेट कर सकते हैं. आप क्या कहते हैं सिलसिले? देखिए बात यह कि रिजवान साहब ने भी इंटीग्रेशन की बात की कि एक तो ये है कि हम इमिग्रेंट्स इसलिए बुलाएँ कि हमारी जो लेबर शॉर्टेज है वो पूरी हो. ठीक है, अब जो लेबर शॉर्टेज का मामला, डॉक्टर साहब अगरचे ये कह रहे हैं कि लेबर शॉर्टेज बहुत है, मगर आप देख लीजिए ऑन्टेरियो की मुख्तलिफ जगहों पे, आप मॉल्स में चले जाइए, छोटे छोटे स्टोर्स में देख चले जाइए, इस वक्त जॉब मिलना मुश्किल है.
आम यानी ये जो लो वेजेस की जॉब्स भी जो हैं इस वक्त की जो एज ऑफ टुडे जो हम बात कर रहे हैं ऑन ग्राउंड वो मिलना मुश्किल है। अच्छा, अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें अपनी बातचीत को और इमिग्रेशन के साथ फिर जोड़ें कि जी इमिग्रेंट्स आएंगे हमारी नीड्स को पूरी करेंगे, ये नुक्ता नज़र नहीं होना चाहिए अच्छी इमिग्रेशन का। ना हमारी पार्टी ये कहती, वो कहती है कि इमिग्रेंट्स जो आएंगे उनको क्या फ़ायदा है और जो इस मुल्क को जहाँ वो आ रहे हैं उसको क्या फ़ायदा है। ये दोनों चीज़ें एक साथ चलने वाली हैं। मिसाल के तौर पर हमने गुज़िश्ता 25-30 साल से ख़ासतौर पर डॉक्टर्स इंजीनियर्स पूरी दुनिया से बुलाए और आज के दिन भी बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर उभर चला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम उन इमिग्रेंट्स की जो स्किल्स हैं उनको हम ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लाखों डॉलर खर्च हो जाते हैं और जो बना बनाया है उसको अगर हम ट्रेन करके मेन स्ट्रीम में खपा दें, ऐसा मैं तो कम से कम 20 सालों से नहीं देख रहा कि इस मुल्क में कोई ऐसे प्रोग्राम हुए हों कि उसको खपा दिया गया हो ठीक तरीके से। अनफॉर्चुनेटली इस बात को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात भी कर रहा हूँ। उसी जनरल बात की बुनियाद पर हमारी पार्टी भी ये कहती है कि भाई इमिग्रेंट्स को आप इंटेग्रेट करें, उनका फ़ायदा उठाएं। उस सिलसिले में आप ऐसे खामखा इमिग्रेंट्स को ना बुलाते रहें कि वो भी आके परेशान हों और आपका भी कुछ ना बने। तो मेरा ख्याल है कि ये वो इश्यूज़ हैं जिस पे इस इलेक्शन में तो अब 15 दिन रह गए, 14 दिन रह गए, 10 दिन प्रैक्टिकली रह गए। ठीक, अब इसमें तो ये बातें मेरा नहीं ख्याल को कोई इतनी ज़्यादा कोई असर डालेंगे, लेकिन ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है वो ना ख़त्म होने वाला होता है। और सोचेंगे कैनेडियंस इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद कि भाई अब हमने आगे किस तरह जाना है, ये एक उम्मीद है। देखें, मेरे लिए जो ज़्यादा कंसर्न की बात है वो ये है कि रियल इशू पे जो रात को भी हमने देखा डिबेट नहीं हुई है, और रियल इश्यूज़ इस वक्त जिस पे जैसे ताहिर साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि इस वक्त कनाडा में जो नेशनल लेवल पर एक तो इकॉनमी है जो हमेशा ही हर सोसाइटी में एक रियल इशू के तौर पे मौजूद रहती है। इमिग्रेशन कनाडा में इस वक्त डिबेट स्टार्ट हो गई है, एक डिबेटिंग पॉइंट बन गया है। कोई नहीं कह रहा इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, कनाडा जैसे मुल्क को इमिग्रेशन की ज़रूरत है, कनाडा की इकॉनमी को इमिग्रेशन की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है जो भी लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, चाहे वो मैक्सीम हो, चाहे वो जगमीत हो, चाहे वो कोई भी हो, इमिग्रेशन एंटी इमिग्रेंट इनमें से कोई भी नहीं है, वो सारे इमिग्रेशन लाने की बात कर रहे हैं। और सारे यही बात कर रहे हैं कि जी आप इस इमिग्रेशन को कैनेडियन सोसाइटी के लिए ज़्यादा यूज़फुल कैसे बना सकते हैं, कितना नंबर होना चाहिए, किस तरह के इमिग्रेंट होने चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ये तो देखना चाहिए। कनाडा ने ख़ुद भी बेशुमार सिस्टम इमिग्रेशन के ट्राई किए हुए हैं, पॉइंट सिस्टम ट्राई किया हुआ है, फॉरेन वर्कर सपोर्ट प्रोग्राम ट्राई किया हुआ है और बेशुमार प्रोग्राम्स ट्राई, बहुत ज़्यादातर मिसयूज़ होते रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस वक्त डिबेट मेन स्ट्रीम बनती जा रही है। और मेन स्ट्रीम बनने की एक रीज़न है कि जब इकोनॉमीज़ उतना प्रोड्यूस नहीं करती तमाम लोगों के लिए, तो ये डिबेट सेंटर ऑफ द स्टेज आ जाती है और आनी आएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली ये दो। ताहिर, आप नहीं देखें, बात यह है कि इस इलेक्शन में हमारी पार्टी के आ जाने से एक ये फ़ायदा है कि वो बातें जो कनाडा में टैबू समझी जाती हैं, वो बातें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और आवाम नहीं आवाम सुनना चाहती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं करती, वो बातें डिस्कोर्स का हिस्सा बनेगी। हमारी इस इलेक्शन में सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि हम उन टैबू वाली बातों को, उन टैबूज़ को एक तरह से डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं, डिस्कोर्स का हिस्सा बना रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि आइंदा इलेक्शन के बाद वो बातें, चाहे वो इस्लामिज़म का जो यहाँ पर ग्रोथ है उसके ख़िलाफ़ हमारी बात हो या आवाज़ हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो हम खुल के बात कर रहे हैं, चाहे वो इमिग्रेशन के हवाले से हम जो बहुत वाइज बात कर रहे हैं और एनवायरनमेंट पर जो हमारी ओपिनियन है, इस पे बातें, इस पे डिस्कशन कैनेडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बंद कर दी थी, हमने वो खोल दी हैं और ये आगे बहुत बड़ी बहसें बनेंगी। जी डॉक्टर साहब, देखिए, जो सबसे पहले कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जानना बहुत ज़रूरी है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो
बेसिकली पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास वो लिमिटेड हैं। इन्होंने बात की डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, वो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। वो यहाँ के जो प्रोविंशियल का माफिया है, जो यहाँ पर डॉक्टर्स की एसोसिएशन बनी हुई हैं, जो यहाँ पर इंजीनियर्स की एसोसिएशन बनी हुई हैं, ये सिर्फ प्रोविंस के अंडर है। कुछ नहीं कर सकता फेडरल गवर्नमेंट इसको आज भी और 50 साल के बाद भी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बन चुका हुआ है उसके मुताबिक ही यहाँ पर काम होना है। यहाँ के जो मेडिकल प्रोफेशन के जो एसोसिएशन हैं वो अलाउ नहीं करती थी, और वो अलाउ करेंगी आगे आहिस्ता आहिस्ता या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो प्रोविंशियल मैटर है उसको हम फेडरल मैटर के साथ नहीं मिला सकते। इसलिए कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सेकंडली, जहाँ तक आई विश हिम एंड हिज पार्टी वेरी वेल, बट मुझे पता कि जो कनेडियन सोसाइटी है वो सोशलिस्ट पैटर्न को ज़्यादा अच्छा समझती है बनस्पत रेडिकल कंजर्वेटिज्म को। आप सबका आज की इस प्रोग्राम में इलेक्शन स्पेशल, टैग टीवी इलेक्शन स्पेशल 2019 में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहना चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए, और उसके साथ साथ लीडर और लीडरशिप का बोल्ड स्टेप्स लेके प्रॉपरली अपने तमाम जितने भी कंसर्न्स और मुद्दे हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये कल डिबेट का भी हिस्सा रहा, इनको कैसे काम करना चाहिए इस पे भी डिबेट्स होनी चाहिए ताकि कनाडा में बेहतरी आए। हम सब कैनेडियन हैं, सबसे पहले कनाडा हमारे लिए अहम है। इन अल्फाज के साथ आज का ये शो देखने का बहुत शुक्रिया।